मेरी है। तुम अभी भी किताब पढ़ती हो? मैं ऐसी किताबें बचपन में पढ़ता था। ये बताओ, लड़कियां हमेशा रोमांटिक किताबें क्यों पढ़ती हैं? तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। हम 3 घंटा साथ में सफर करने वाले हैं, इसलिए दोस्ती करने का बहाना ढूंढ रहा था। तुम्हारी जगह कोई बूढ़ी औरत भी होती तो मैं उससे ऐसे ही बातें करता। क्या तुम घरेलू प्रोडक्ट्स बेचती हो? हाँ हा? क्या मॉडल वाला एटीट्यूड जो है देखो। ओके कंटिन्यू, पढ़ती रहो। हाय, मैं हूँ विनोद। हाय, कर्नल जगदीश। ओ अच्छा, रिटायर हो। ओ सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। टीवी पर देखा होगा। ओ मैं हूँ श्री 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 ज्योतिष भूषणम जमाल जी जीनियस डॉक्टर नारायण शास्त्री PhD। हर सुबह जो टीवी पर भविष्य बताते हैं वही है ना? हाँ ठीक पहचाना। तो आपकी स्पेशलिटी किसमें है? बताता हूँ, मैं तारे ग्रहों को देखकर मनुष्य का भविष्य बताता हूँ। किसी का चेहरा देखकर या फिर किसी के नाम की स्पेलिंग से भी मेरा बताया भविष्य हमेशा सही निकलता है। ये है मेरी स्पेशलिटी। मनमोहन सिंह से लेकर महेंद्र सिंह धोनी कोई भी छोटा मोटा फैसला भी लेने से पहले मेरी सलाह लेते हैं। वो हीरो जो आगे बैठा है उसकी पहली फिल्म सुपर फ्लॉप थी पर दूसरी फिल्म सुपर हिट। कैसे वो जानते हो? मैंने उसे कहा कि अपने नाम में एक ये और जोड़ ले। उस फिल्म को भी ए सर्टिफिकेट मिला था। बेटी दिल्ली जा रही हो? नहीं नहीं, वो बीच रास्ते में उतर जाएंगी। इस तरह क्या देख रहे हो माय चाइल्ड? एक तरह का मेडिटेशन है ये भी। आप शूटिंग के लिए जा रहे हैं सर? हीरोइन का है? आप लोग कितने लकी होते हैं सर, आपको हर पिक्चर में नई औरत मिलती है सर। मेरा मतलब हीरोइन। इस मामले में मेरा बैड लक बहुत खराब है सर। मेरी तो एक है, वो भी आपको पसंद करती है। एक दिन जंगल में एक शेर था, जंगल का राजा। वहां पे एक घोड़ा आया। सनक घोड़े पे सवार थी। अब सभी जानवर बहुत खुश थे, अब साना को शुक्रिया कह रहे थे। अरे पसंद आया कि नहीं? क्यों नहीं जा सकते? गोली लगने से एक इंजन डैमेज हो चुका है, हमें इसी वक्त प्लेन को उतारना होगा। ये सही कह रहा है, हमें इसी वक्त लैंड करना होगा। नहीं, लैंड होने के बाद सोचेंगे, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं? इसमें अगर 7500 मेगाहर्ट्ज सेट करेंगे तो वो हाईजैक कोड है, कंट्रोल टावर को खबर हो जाएगी। कहा ना कोई होशियारी नहीं, उन्हें हाईजैक के बारे में तो इन्फॉर्म करना होगा ना। नहीं नहीं बेटे, बेटे बेटे कैसी इमरजेंसी?
अचानक प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। ओवर। ठीक है, निर्देश मिलने तक रुक जाओ। इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली एयरपोर्ट से लैंडिंग की अनुमति मांगो। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हे, वो मेरा बैग है, वापस दो मुझे। छोड़ो, दे दो उसे। अरे रखो रखो, तुम्हारी तो वो मेरा बैग है। ठीक है, दूसरा खरीद के दे दूंगा। सभी अपने अपने सेलफोन इस बैग में डाल दें। अपने अपने सेलफोन निकालो, निकालो मोबाइल। अपना फोन दो, इस बैग में डालो। चलो डालो, जल्दी करो। चलो निकालो, डालो इसमें। जल्दी जनाब, जल्दी। दूसरा किधर है? नहीं है मेरे पास। जल्दी करो, डालो। भाई साहब, उसने दे तो दिया, फिर क्यों मार रहे हो उसे? मैं इस्तेमाल नहीं करता, मेरे पास नहीं है। लैंडिंग की अनुमति मिल चुकी है। कहां? तिरुपति में। सुबह के 10:20। सभी अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर दो। मैंने क्या कहा, सुना नहीं? जल्दी। क्या दोबारा बोलो? हाँ, प्लेन हाईजैक हो चुका है। तुमने तो कहा था कि तकनीकी खराबी है। हाँ कहा था, पर आपके पायलट ने दुरुस्त फरमाया, प्लेन हाईजैक हो चुका है। तुम कौन हो? मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तुम हिंदुस्तानी सरकार के कोई मुहिंदे को बुलाओ, वो भी जल्द से जल्द। हाईजैक? एक काम करो, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। चलो बैठ जाओ, तुम भी। सुनो सब लोग, हमारे हुक्म की तामील करो तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अगर ऐसा ना किया तो मैं इस रिमोट के बटन को दबा दूंगा और सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, समझ गए? इंडिया को मिला हाईजैक शॉट, आतंकवादियों का एक और हमला। चेन्नई से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। इस वक्त प्लेन टेररिस्ट के कब्जे में है। प्लेन तिरुपति में लैंड कर दिया गया है, पर अब तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर सूर्या शेखर भी उस प्लेन पर सवार हैं। क्या यह हाईजैक पहले से ही प्लान था? ये राज जल्दी ही खुलेगा। इस हाईजैक के पीछे किसका हाथ है कोई नहीं जानता, किसी के पास कोई सुराग नहीं। हमारे सूत्रों के अनुसार हमें खबर मिली है कि शायद दूसरे प्लेन को भी हाईजैक किया जा सकता है। आतंकवादियों ने एयरपोर्ट कर्मचारियों से बात करने से मना कर दिया है। हमें अभी अभी पता चला है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर कृष्णमूर्ति अपनी टीम के साथ तिरुपति एयरपोर्ट पहुँचे हैं। इसके पीछे कौन है और उनकी डिमांड क्या है? इन लोगों ने मुझे फ्लाइट को रावलपिंडी ले जाने के लिए कहा। सर, आपको क्या लगता है उनकी डिमांड क्या होंगी? अगले हफ्ते यूएस प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं, शायद उन्हें रोकना चाहते हों। ये अंदाजा लगाने का वक्त नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम। मुझे यकीन है इसके पीछे ISI का हाथ है। क्या किडनैप्ड सूर्या जी सुरक्षित तो है? हेलो, किडनैप और हाईजैक में फर्क नहीं मालूम? वो किडनैप नहीं किए गए, प्लेन हाईजैक हुआ है, पर पैसेंजर सेफ है। पर वो सब ट्रेंड है, उन्हें प्लेन के बारे में भी अच्छी नॉलेज है। सर, आपको लगता है ये इंटेलिजेंस फेलियर है? वेल, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अगर हमें उनकी डिमांड्स पता चले तो क्या सरकार उन्हें मानने के लिए तैयार है? ये सब उनकी डिमांड पर निर्भर। सर, पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर ने कहा था टेररिस्ट की कोई डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। आपको बता दिया, आप क्या पूछ रहे हैं? बकवास मत कीजिए, वहाँ सैकड़ों जिंदगियों का सवाल है। प्लेन अभी तक इंडिया में ही है, यही हमारे लिए एडवांटेज है, हम आसानी से छूट सकते हैं। वो कैसे? अगर हम मिलिट्री की मदद ले। सर, एक और सवाल सर, NSG कमांडो अब तक क्यों नहीं पहुंचे? वो बस पहुंचते ही होंगे, वो निकल चुके हैं। ओके गाइस, देखो इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारे साथ ऊपर वाला है, उनका आशीर्वाद भी। वो बात नहीं है आंटी, मैं अपने पति को बिना बताए आई हूँ। क्यों बेटी? हमारे बीच बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, इसलिए मैं उनसे दूर जाना चाहती थी। अगर उनसे पूछती तो वो मुझे इजाजत नहीं देते, इसलिए मैं उनके लिए एक लेटर छोड़ कर आई हूँ। अब ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वही माँ,
शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अफसाना। आप लोग कहाँ से हो? पाकिस्तान से। बच्ची के हार्ट ऑपरेशन के लिए चेन्नई आए थे। 3 महीने से बच्ची का इलाज चल रहा था। ऊपर वाले के करम से बच्ची अभी ठीक है, वापस अपने वतन जा रहे हैं, दिल्ली से कराची। हेलो विश्वनाथ, होम सेक्रेटरी है। मिस्टर विश्वनाथ, तुम एक हिंदुस्तानी हो तो हिंदी में बात क्यों नहीं करते? तुम्हें हिंदी आती है? मैं तुम्हारे वतन की 20 ज़बानें बोल सकता हूँ। ओके, देखो सारे पैसेंजर्स को। तुम्हारे सारे पैसेंजर्स महफूज हैं। तुम कितने हो? अपनी उंगलियों पर नहीं गिन पाओगे। मेरा मतलब फ्लाइट में कितने लोग हैं? फजूल के सवालों में अपना वक्त जाया मत करो मिस्टर विश्वनाथ। एयरपोर्ट की सारी लाइट्स ऑन कर दो ताकि हमें हर कोना दिखाई दे। प्लेन के इर्द गिर्द कोई नहीं आएगा जब तक मेरी इजाजत ना हो। अगर तुमसे कोई गलती हुई तो हम प्लेन ब्लास्ट कर देंगे। तुम्हारी डिमांड क्या है? यूसुफ खान। शेखर, रिटायर्ड कर्नल जगदीश और फिल्म स्टार चंद्रकांत। सुरक्षा के क्या क्या कदम उठाए हैं अब तक? मुंबई से हो क्या? तुम अपने काम से मतलब रखोगे? ए, सुनो, हमारा प्लेन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। हम नहीं जानते हम घर वापस जा पाएंगे भी या नहीं, तो जब तक हम यहाँ पर हैं हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। समझ गई? मेरा नाम विनोद है, तुम्हारा क्या नाम है? संध्या। गुड, हमें उस कमीने को मार डालना चाहिए। साले को 3 बार खाना खिलाते हैं, वो भी हाई सिक्योरिटी के साथ। आखिर क्यों? खिला पिला कर उसे वापस सौंपने के लिए हमने क्या धर्मशाला खोल रखी है? शांत हो जाओ नवाज खान, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। इस तरह भड़कने से कुछ नहीं होगा। पता है मुझे हंसी किस बात पर आ रही है? पिछले महीने मैंने एक फिल्म देखी जिसमें अपना हीरो चंद्रकांत था, वही जो इस हाईजेक फ्लाइट में है। फिल्म में तो टेररिस्टों की धुलाई करता है वो। अच्छा? हाँ, विलेंस की छुट्टी कर देता है वो। उस फिल्म में भी कूद कर वो बड़े स्टाइल से हेलीकॉप्टर पकड़ता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरह कूद कर हेलीकॉप्टर को पकड़ना ये अब पूरी स्टोरी सुनाएगा क्या? फिल्म का हीरो रियल लाइफ में हीरो ये जरूरी नहीं है। यहाँ भी उसे कुछ नहीं होगा। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, मतलब हैप्पी एंडिंग होगा। वो तो है। तो आपका प्लान रेडी है? जानता हूँ ये साले गुंडे आपके सामने चू है सर। मौका देख के चौका मारेंगे, सही कहा ना सर? सर, ये बेचारे नहीं जानते कि उन पर पड़ेगा तो वो तो उठ जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अल्लाह का एक फौजी हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर इंतजार कर लो, कुछ इंतजाम करते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जिहाद है। मतलब आपने इन सबको क्यों डरा रखा है? ये अल्लाह का हुक्म है। ऊपर वाला सबको डराएगा, मुझे भी? तुम तो अल्लाह का तोहफा हो, बाकी सब हमारे दुश्मन हैं। पर इन लोगों ने तो मेरा हॉस्पिटल में इलाज करवाया और बहुत प्यार से मेरी देखभाल की। डॉक्टर के नजरों में तो सब एक ही होते हैं। आप भी डॉक्टर होते तो कितना अच्छा होता। Excuse me, शाम के 6 बज रहे हैं, सुबह से सारे पैसेंजर्स बुके हैं। एक दिन नहीं खाओगे तो तुम्हारा इंतकाल नहीं होगा। हम नहीं खाए तो कोई बात नहीं, पर फ्लाइट में छोटे छोटे बच्चे हैं, शुगर पेशेंट्स भी हो सकते हैं। देखो, अगर किसी को कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। फिक्र मत करो कैप्टन, हमें पूरा इल्म है कि हमें क्या करना है। गिरजाघर की घंटियां सुनाई दे रही हैं, लगता है पास ही है। जरा सुनेंगे? एक छोटी सी प्रार्थना है, हमारा पवित्र महीना है, इन दिनों प्रार्थना का अलग महत्व होता है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ? नहीं, बैठ जाओ। अगर आप कुरान भी देंगे तो चलेगा, मेरे लिए सब धर्म एक जैसे हैं। ये पादरी कुरान पढ़ना चाहता है, क्या करें? प्लीज। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
फादर हमें भी सुनना है, थोड़ा जोर से पढ़ेंगे? पढ़ सकते हो। शुक्रिया। यहोवा हमारे पिता हैं और वही हम सब की रक्षा करेंगे। सच्चे मन से उन्हें याद कीजिए तो वो सबकी सुनेंगे। सब जानते हैं कि दुनिया को डराने वाले यूसुफ खान ने क्या क्या किया है। अगर आप वाकिफ नहीं हैं और जानना चाहते हैं कि उनके संबंध किन किन आतंकवादी संगठनों के साथ रहे हैं, तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हर पल की खबरें देते रहेंगे। इस तरफ सर। सर, हम पैसेंजर्स के लिए खाना और पानी भेजने वाले हैं। यस सर, यस सर। जिन्होंने हेलो विश्वनाथ। ओह हाँ, हम हमेशा ऐसे ही हालात में मिलते हैं। सही कहा, हम पिछली बार मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के दौरान मिले थे। सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया, इसीलिए फूड पैकेट्स भेज रहे हैं। कोई इंफॉर्मेशन मिली? हाँ, उनकी एक डिमांड है, यूसुफ खान की रिहाई। यूसुफ खान को दूसरे प्लेन से लाना होगा, फिर पैसेंजर्स को वो शिफ्ट करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे पता नहीं। और इस प्लेन का क्या? हमने प्लेन रिपेयर करने की बात रखी है, पर उन्हें मंजूर नहीं, बोलते हैं पावर सप्लाई दो। वो कह रहे हैं कि वो प्लेन ब्लास्ट कर देंगे। इतने हथियारों के साथ वो प्लेन में कैसे पहुंचे? सिक्योरिटी लैब्स? नहीं 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 सर, ये अंदर के किसी आदमी का काम है। फ्लाइट इंजीनियर्स, फूड सप्लायर्स, क्लीनर्स, कोई तो गद्दार है जिसने आतंकवादियों से हाथ मिलाया है, वरना हथियार अंदर कैसे जा सकते हैं? हाँ ठीक कहा, हमने पुलिस से कहा कि इस बात की इंक्वायरी करें। इन्होंने कोई डेडलाइन दी है? हाँ, कल शाम 5 बजे तक। आप आधी रात के बाद हमला करेंगे ना सर? हाँ? पहले तो मैं सोच में पड़ गया था कि आप चुप क्यों बैठे हैं, पर फिर जब दिमाग पर मैंने जोर डाला तब आपको वो डायलॉग याद आया सर, फिर आपके चुप रहने की वजह मुझे समझ आई सर। कैसा डायलॉग? मेरी आंखें हैं साइलेंट पर मेरा मुक्का है बहुत। इन आतंकवादियों ने गलती से एक दबंग को किडनैप कर लिया सर। सर आपको तो पता होगा अब हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी। ये तो इनकी डिमांड्स पर निर्भर है। गवर्नमेंट पहले पैसेंजर की सुरक्षा चाहेगी और सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को छोड़ने को कहेंगे। वही तो, तब तो मैं चली जाऊंगी। हेलो, इरादा बहुत नेक है तुम्हारा। कोई फायदा नहीं, वो यहाँ से किसी को नहीं जाने देंगे। और अगर किसी को जाने दिया तो आतंकवादी जानते हैं कि उन सब से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाएगी। अब देखना, हमारे खाने के 1 घंटे बाद वो खाना खाएंगे। ऐसा क्यों? ये पता लगाने के लिए कि खाने में कहीं कुछ मिलाया तो नहीं है। इन सालों को हर तरह की ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है। एयरपोर्ट के हर सीसीटीवी कैमरा को हमने बहुत गौर से देखा सर, पर हमें कोई सुराग नहीं मिला। तुमने पैसेंजर लिस्ट में दिए गए एड्रेस चेक किए हैं? करीब 80% चेक हो चुके हैं। कोई फेक एड्रेस? हाँ, उसमें से 2 फेक एड्रेस मिले हैं। सर, हमारे कमांडोज हमें बचाने की कोशिश तो करेंगे ना? हाँ, हमारे कमांडो इनकी बैंड बजा देंगे। उन्होंने हमें इस बात की धमकी दी है कि वो 10 और प्लेन हाईजैक करेंगे। वो अगले 24 घंटे सबको डरा कर रखना चाहते हैं सर। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे नजरअंदाज कर दें इस बात? सर, हमने सब छानबीन कर ली है, ये सब अफवाहें हैं। ये क्या हो गया? अगर ये प्रॉब्लम सुलझ गई तो मैं तिरुपति चल कर जाऊंगा और वहां जाकर मुंडन करवाऊंगा। सर, एक बात पूछूं, जो बम इनके पास है वो थोड़ा अलग है ना? मिस्टर विनोद, ये वो बम नहीं जो हम फिल्मों में देखते हैं, ये असली बम है। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स, बहुत ही खतरनाक, थोड़ी सी मात्रा पूरे प्लेन के चिथड़े उड़ा सकती है। और आपके हिसाब से इनके पास कितनी मात्रा होगी? 1 किलो या फिर ज्यादा। यूसुफ खान का जन्म कश्मीर में होने के बावजूद सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने परिवार वालों के साथ अफगानिस्तान चला गया। लंदन बम धमाके के बाद यूसुफ खान का असली चेहरा सामने आया और उसे खतरनाक आतंकवादी करार कर दिया गया। मैं रेनु शारदा, ANI से। दुनिया भर की नजरें इस समय भारत पर है, सब ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसे वक्त में क्या कदम उठाती है। क्या मैं ले सकता हूँ? जरूर। सुनो सब लोग, काफी वक्त हो चुका है, बातें बंद और सब सो जाओ। सर, ऑल द बेस्ट। मुझे जगाना मत भूलना सर। मैं भला तुम्हें क्यों जगाऊंगा? ओह
अब समझा सर, आप अकेले ही सब आतंकवादियों से निपटना चाहते हैं। I'm so sorry, Dad. तो तुम अपने घर से भाग कर आई हो? क्या वो तुम सॉरी कह रही थी ना अपने प्रेयर में? तुमने मेरे मन की आवाज सुनी? इतने जोर से मन में बोलोगी तो आवाज तो सुनाई देगी ना। इट्स ओके, तुम घर से भाग आई हो। वैसे वजह क्या थी? इश्क विश्क प्यार व्यार? नॉनसेंस, कजिन की शादी में जा रही हूँ। उन्होंने बोला था 5 दिन के बाद हम साथ में ही चले जाएंगे। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और चुपके से चली आई। बेचारे डैडी, सोच रही हूँ उन पर क्या बीत रही होगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तुम्हें? लव स्टोरी को साइड में रखकर डैड की पकाऊ स्टोरी बता रही हूँ, सो जाओ। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? थोड़ा सा। तुम जरूर खराटे लेती होगी, उसी से डर लग रहा है। सर, सब गड़बड़ हुई। तो मैं क्या करूं? रिपोर्टर ने बिना मुझसे पूछे हीरोइन के साथ मेरे अफेयर वाली न्यूज छाप डाली थी। ये सर, मुझे लगा कि आप हमें बचाओगे, लेकिन आप तो सो रहे हो। अच्छा, लेकिन ये मैं कैसे करूंगा? क्या कह रहे हैं? आप तो एक हीरो हैं सर। 5 गुंडों को आप तो आराम से पीट देंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, वो टेररिस्ट है। आपने भी तो सर यूसुफ खान को फिल्म में पकड़ा है। मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। धीरे बोल, अगर उन्होंने सुन लिया तो वो मुझे काट डालेंगे। तो क्या सच नहीं है? बिठंगन, वो फिल्म थी। तो फिर बिल्डिंग पर से कूदना, उसे पकड़ना। अरे वो मैं नहीं था, डुप्लीकेट था। मतलब वो ओरिजिनल है, आप डुप्लीकेट हो। जो फिल्मों में होता है वो असली जिंदगी में नहीं हो सकता। पर लव सीन करते वक्त किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरा यहाँ की हालत को समझने की कोशिश करो। सामने खतरनाक आतंकवादी हैं। गड़बड़ हुई तो मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी। ठीक है, अब फिल्म हो या हकीकत, हर बुरा इंसान सुधरता है। अपनी फिल्मों में आपने कितने गुंडों को सुधारा है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? सुनो, वो मेरे को एक्टर्स हैं, कोई आतंकवादी नहीं। जो बोलता हूँ वो करते हैं। इन्हें सुधारने जाऊंगा तो मेरी बोटी बोटी कर देंगे। हाय, आप ये भी नहीं कर सकते? आप मेरे वॉचमैन से भी बड़े डरपोक हैं। छी, किस्मत ही फूटी है। सुनो, कोई खुश खबर? बातचीत जारी है। क्या कहा? गुफ्तगू खत्म करो और हमारे हुक्म की तामील करो। देखो, जितना तुम्हारे लिए यूसुफ खान जरूरी है, उतना ही हमारे लिए पैसेंजर की सुरक्षा। हमारे भी कुछ कायदे और जिम्मेदारियां हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले हमें लोगों का, अपोजिशन, मीडिया, सबका ख्याल रखना पड़ता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जम्मू से दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो पहले कैबिनेट मीटिंग पूरी होने दो, खत्म होने दो। तब तक प्लीज प्लेन में सवार बच्चे और महिलाओं को छोड़ दो, उन्हें रिहा कर दो, तब लोगों को आप पर यकीन होगा। तुम्हारे लोगों का यकीन जीतकर हम क्या करें? हमें थोड़ी ना इलेक्शन में खड़ा होना है। हुक्म की तामील होने तक हम किसी को रिहा नहीं करेंगे। ये तो नाइंसाफी है। ये जंग है मिस्टर विश्वनाथ। अगर 5 बजे तक यूसुफ खान रिहा नहीं हुए तो फिर हमारी बंदूक बोलेगी और कैबिनेट मिनिस्टर हमारा पहला शिकार होगा। योर डेडलाइन इज टू शॉर्ट। लाइफ इज टू शॉर्ट मिस्टर विश्वनाथ। हेलो हेलो, हमारी हर चाल की खबर है उन्हें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टॉयलेट जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत बदबू आ रही है। किसी को आकर उसे साफ करने को कहोगे? जी हाँ, ये खतरनाक हो सकता है और इससे पैसेंजर्स को इन्फेक्शन भी हो सकता है। सफाई जरूरी है। हमारी मांगों का पूरा होना बहुत जरूरी है, तब तुम्हारी जरूरतों का ख्याल करेंगे। तुम लोग हम पर इस तरह जुल्म क्यों कर रहे हो? मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हारी मांगों का इस टॉयलेट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा जबान चल रही है तेरी, खामोश हो जा। कब क्या करना है, इस बात का इल्हाम है हमें। ठीक है, सुनिए भाई साहब, क्या हम जान सकते हैं कि आपकी मांगे क्या हैं? अगर तुम्हारे मुल्क के खलीफा यूसुफ खान को रिहा करते हैं तब तुम्हें रिहा करेंगे। तुम्हारी जरूरतों का ताल्लुक सीधा यूसुफ खान की रिहाई से है। और अगर नहीं किया तो यहाँ पर खून का सैलाब बहेगा। सुनिए, ये यूसुफ खान कौन है? पाकिस्तानी बॉलर।
जैसा कि आप देख सकते हैं प्लेन को हाईजैक होकर पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं और जो मोहलत सरकार को दी गई थी वो खत्म होने वाली है। पर अभी ऑफिशियल्स इस हाईजैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पैसेंजर्स के घर वाले, दोस्त और रिश्तेदार तिरुपति एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आतंकवादियों से क्या बात करनी है? आपके पास आर्मी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फिर भी हाथ पे हाथ रखे बैठे। तुम क्या चाहते हो? हम क्या? सिर्फ एक मौका। तुम चाहते हो एक कमांडो ऑपरेशन? नामुमकिन। क्यों नामुमकिन है सर? सरकार हमें इसी काम की तनख्वाह देती है, यही हमारा काम है। आप शायद भूल रहे हैं, वही सरकार हमें फिलहाल रुकने को कह रही है, तो हम क्या करें? मेरा बेटा भी आज सुबह इस फ्लाइट से काम के सिलसिले से दिल्ली जा रहा था। किसने सोचा था कि ये फ्लाइट हाईजैक हो जाएगी और सरकार भी आंखें मूंदे सो रही है। एक्सक्यूज मी सर, लगता है ये सही है। ट्रस्ट मी प्लीज। आज खाने के पैकेट देने मेरे कमांडोस उस वैन में जाएंगे। जैसे ही एयर होस्टेस दरवाजा खोलेगी मेरे कमांडोस धावा बोल देंगे। कैसे रवि? 100 से ज्यादा पैसेंजर्स हैं और उनमें से एक सेंट्रल मिनिस्टर है। उस फ्लाइट में मेरी बीवी है। पहले भी एक मिनिस्टर की बेटी को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 6 टेररिस्ट को छुड़वाया था और आज तो 100 लोगों की जान खतरे में है, तो क्या वो एक टेररिस्ट को छोड़ नहीं सकते? देखो, तुम्हारे लिए कहना आसान है पर हमारे देश की जनता तो सवाल हमसे पूछेगी। तो समझाइए उन्हें सर, आतंकवादियों के सामने झुकने से तो अच्छा है मर जाना। अगर हम इस वक्त इसराइल या अमेरिका में होते तो अब तक उन आतंकवादियों को ऊपर पहुंचा दिया होता। उनकी बात अलग है, हमारी अलग है। यही तो मैं भी कह रहा हूं सर, एक यूसुफ खान को पकड़ने के लिए कितनी जाने गई हैं? अगर वो आजाद हो गया तो फिर से हजारों जाने जाएंगी। हमारे नेता सेंट्रल मिनिस्टर श्री सूर्य शेखर अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें कुछ भी हुआ तो याद रखना, हम सरकार के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर देंगे। ये बहुत ही पेचीदा मामला है। 3 महीनों में इलेक्शंस हैं। अगर आतंकवादियों ने प्लेन उड़ा दिया तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? और फिर सूर्य शेखर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में बंद का ऐलान कर दिया है और हम पर बहुत दबाव है। सर, समझने की कोशिश करो। आप समझने की कोशिश कीजिए, यूसुफ खान कोई मामूली टेररिस्ट नहीं है, वो न्यूक्लियर साइंस जानता है। कितने मुल्क डरे हुए हैं कि अगर वो आजाद हो गया तो तबाही मच जाएगी, और आप हैं जिनको सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है, बंद की पड़ी है, लोगों का डर है, ये ठीक नहीं है सर। ये एक संगीन मामला है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रवि, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझता हूँ पर हम सब सरकारी मुलाजिम हैं, फैसला लेना हमारे हाथ में नहीं है। हमें ऊपर से जो हुक्म होगा हमें वही करना पड़ेगा। ओके सर, जो करना है वो कीजिए। हम हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई जीतते हैं लेकिन आपके फैसलों के आगे हार जाते हैं। जो करना है कीजिए। चलो नवाज, यहां सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। पकौड़ा खाइए सर। साल पहले लद्दाख के एक गांव में नमस्ते जी। नमस्ते, मैं जनगणना से आई हूँ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। घर में कितने बुजुर्ग हैं? 2। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार, मैं जनगणना से आई हूँ। आपका नाम क्या है? आदित्य। उम्र कितनी है? 35 साल का हूँ। ए कौन है रे? अरे जनगणना से कोई आया है। शादी हुई है क्या? हम लोग सब बैचलर हैं। घर के मालिक का नाम क्या है? यहाँ मालिक वालिक कोई नहीं है। हेलो, फिर क्यों आई हो? हाँ?
आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज रात हम पार्टी करेंगे। खन्ना, 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 खन्ना। चिल्ला मत, वरना हलाल कर दूंगा। यूसुफ खान, नहीं तो इसका कत्ल हो जाएगा। रुक जाओ। यूसुफ खान को छोड़, मार डालूंगा इसे। मेरी बात सुनो, छोड़ दो इसे। हथियार गिरा दो, बंदूकें नीचे फेंको। बंदूकें फेंक दो। यूसुफ खान को छोड़ दो, जाने दो यूसुफ खान को। गोली मत चलाना। तुम काफी परेशान लग रहे हो। क्या करूं रवि, एक तरफ उनके डिमांड्स हैं, दूसरी तरफ प्रेशर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल नहीं है? सच कहूं रवि, तो मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए। पैसेंजर्स के रिश्तेदार पीएम के घर के आगे धरना दे रहे हैं, मिनिस्टर के पार्टी वाले दंगा फसाद कर रहे हैं, टेररिस्ट मिनिस्टर को मारने की धमकी दे रहे हैं। मिनिस्टर को कुछ नहीं होगा सर। तुम्हें इतना यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। अगर उन्होंने मिनिस्टर को मार दिया तो हम प्लेन में घुस जाएंगे। पर हमारे लोग जोखिम लेने को तैयार नहीं है। कुछ पता है तुम्हें, कैबिनेट मीटिंग अभी भी चल रही है। हमारे लोगों को कुर्सी की फिक्र है, ना कि अपने देश की। धक तेरे की, मेरा तो खून खोल रहा है सर। यूसुफ खान को पकड़ने के लिए मैं अपना दोस्त खो चुका हूं, और कितने लोगों का बलिदान देना होगा। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। यूसुफ खान को छोड़ देंगे आप? ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या हुआ? जाओ। रुक जाओ। रवि, तुमने उसे मार दिया। ऐसा ही होना चाहिए। सुन लो, अगर हमारे खिलाफ गए तो तुम्हारा इंतकाल तय है, कोई होशियारी नहीं, समझे? चलो, चुप। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने हमें 5 बजे की डेडलाइन दी थी ना, तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? न्यूज देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी सरकार से वक्त जाया कर रही है। ये कब खत्म होगा? मीडिया क्या कहती है, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हमें अब तक हमारा जवाब नहीं मिला। इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं। हुक्म मानो वरना सब खत्म। यू आर मैड। अपनी जबान को लगाम दो। अगर शाम तक हमारे हुक्म की तामील नहीं हुई तो अगला शिकार मिनिस्टर होगा। हाँ हाँ सर, बोलता हूँ। सर, तुम्हारे साथीदार एडिटर को जमकर डांट पड़ रही है। क्यों सर, हम तो अपनी रिपोर्टिंग ठीक से कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो सब बना रहे हैं। हमारी टीआरपी तभी बढ़ेगी जब हम कुछ हटकर दिखाएंगे। अगर हाईजैक प्लेन की फुटेज हमें मिल जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। कैसे मिलेगी सर, इतनी सारी पुलिस है, एयरपोर्ट में घुसना तक मुश्किल है। ये नहीं हो सकता। जो करना है जल्दी करो, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इसका नाम असलम है। ये फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले वहां के टॉयलेट साफ करता है, पर अब ये गायब है। शायद ये वही बंदा है। यूसुफ खान कौन है? वो हमारे मालिक हैं। क्या वो आतंकवादी है? नहीं, ऐसा हमारे दुश्मन कहते हैं। पर उन्होंने तो बहुत लोगों को मारा है ना? नहीं, उन्होंने नहीं मारा। दुश्मनों को उनके गुनाहों की सजा मिली। पर उन्होंने तो मेरे जैसे छोटे बच्चों को भी मारा ना?
जिहाद में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम भी आतंकवादी हो, मुझे भी मारोगे? नहीं। थैंक्स अ लॉट। रवि, असलम रेड हिल्स में कहीं छुपा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। गुड, हम भी चलते हैं। सर, अगर हम उसे पकड़कर पूछताछ करें तो कोई सुराग जरूर मिलेगा। तब तक आप आतंकवादियों को बातचीत में उलझाए रखिए। आज रात हम ये ड्रामा खत्म कर देंगे। रेड हिल्स कितना दूर है यहाँ से? 2 घंटे बाय रोड। उड़ के जाए तो? चेन्नई का रेड हिल्स इलाका, शाम 7:15। कहाँ है वो? नवाज, या शुरू हो जाए। ओके। माजी से क्या? सर के बाल कब उड़ा? धमकी क्या दे रहा है? कूदता है तो कूद जा। नवाज, हमें वो जिंदा चाहिए। गुरु, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं कूद जाऊंगा। नहीं गणेश, गणेश। ये सारा गणेश कौन है? मेरी बात सुनो, हम जानते हैं कि जेवरातों के चोर को तुम जानते हो। तुम्हारे भाई ने हमको सब कुछ बता दिया। तुम पर कोई केस नहीं बनाया गया, हमें बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें बता दो राजू कहाँ है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पोकट में मर के क्या फायदा? अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरते क्यों? मेरी बात मत लेना, मैं कुछ आऊंगा। मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ रही क्या? तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। क्या कर रहा है? आता ना कोई गोली नहीं चलाएगा। प्लीज कम ऑन, छोड़ मुझे, छोड़, मैंने कुछ नहीं किया। ए, टकले, तेरे से बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। जो पूछूं बस उसका जवाब दे, तुझे कुछ नहीं होगा, वरना कल के अखबार में तेरी खबर छपी होगी, वो भी फोटो के साथ, कि तू पुलिस का मुखबिर बन गया है। जानता है ना उसके बाद क्या होगा? वो अपने दुश्मनों को एक बार बख्श देंगे, पर धोखेबाजों को किसी भी कीमत पर नहीं। सिर्फ तू ही नहीं मरेगा, तेरा बाप, माँ, बहन, वो सबको मार देंगे। चल अब सच बोल, मैं तेरी हिफाजत करने को तैयार हूँ। फ्लाइट के अंदर कितने आतंकवादी? मैं नहीं जानता सर, मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा है। कब से जानता उनको? पिछले 6 महीने से, मस्जिद में मिला था उनसे, उन्होंने बहुत सारी बातें की और अपने काम का वीडियो दिखाया। क्या क्या ले गया था फ्लाइट में? मैंने तो एक पार्सल रखा था, मैं नहीं जानता उसमें क्या था सर, माँ का सब सर। ये रातों का भूत है, बातों से नहीं माने। ओके ओके। ए, तूने ये नहीं सोचा कि पुलिस पकड़ेगी तो क्या होगा? मैं उनकी बातों में फंस गया था, उन्होंने मुझे अंडरग्राउंड होने को बोला था, 2 लाख रुपया दिया और दुबई में नौकरी देंगे बोला था। 2-3 दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, चुपता फिर रहा हूँ। उन्होंने एक फोन नंबर दिया है, मैंने उस फोन नंबर पर फोन भी किया था, पर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। मैं सर्च कर रहा हूँ साहब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। उस पार्सल का साइज क्या था? इतना तो होगा साहब। ए चंद्रा, इसे लेके जा। पार्सल में मशीन गन तो नहीं है। हाँ, पिस्टल्स और हैंड ग्रेनेड हो सकते हैं। ग्रेनेड्स? मुझे नहीं लगता सर, पर प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं। हाँ जरूर वही होंगे, मैं जानता हूँ, पर ऑफिसर्स को ये बात मत बताना, खामखा हमारी मुसीबत बढ़ाएंगे। ओके, लेकिन क्या वो सच कह रहा है? हमसे झूठ बोलकर मरना है उसको। चलो
हम तैयार हैं सर। वेल रवि, हमने डिस्कस किया है कि किसके साथ? होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने हमसे कहा है कि आपस में डिस्कस कर लो। और अरे लेकिन कैसा डिस्कशन? वो ये कि प्लीज आप बताइए सर। देखो, हाई कमांड को लगता है कि कमांडो ऑपरेशन रिस्की है, हम उन पर हमला नहीं कर सकते। रवि, उन्होंने धमकी दी है कि हमने कुछ भी किया तो वो प्लेन को उसी पल उड़ा देंगे। सर, आपके डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। हम इतना बड़ा रिस्क उठाना जायज नहीं समझते। 2-3 महीने में इलेक्शंस है, अगले महीने यूएस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हमारे देश की रेपुटेशन एकदम खराब हो जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या यूसुफ खान को छोड़कर हमारे देश की इज्जत बढ़ेगी? देखो रवि, हम ये सब संभाल लेंगे, हम तजुर्बेकार लोग। सर, आप सिर्फ बूढ़े हैं, तजुर्बेकार नहीं। You're welcome. Cockroach! 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 हटाओ इसे! हटाओ! Cockroach है! Cockroach है! Cockroach! Cockroach था! Hello? क्या? हाँ, भारत सरकार ने यूसुफ खान को छोड़ने का फैसला किया है। हमारे लिए पैसेंजर्स की जान की कीमत यूसुफ खान से ज्यादा है। सर, तो आपका मतलब यह है कि एक टेररिस्ट जिसने कई मासूम जाने ली है, उसे छोड़ना ठीक रहेगा? देखिए, अब तक शिकायत थी कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, अब टेररिस्ट को छोड़ रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है। टीआरपी के लिए कोई भी हद पार करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप सबके लिए खुशखबरी है, यूसुफ खान रिहा हो रहे हैं। उन्होंने वादा किया है यूसुफ खान को हमारे हवाले कर देंगे, और जैसे तय हुआ था वादे के मुताबिक हम आप लोगों को आजाद कर देंगे। मुबारक हो भाईजान। इसमें खुश होने वाली या तालियां बजाने वाली कौन सी बात है? उसे रिहा करेंगे तो हम भी आजाद हो जाएंगे। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। Exactly. तुम्हें पता है यूसुफ खान ने कितने मासूम लोगों को मारा है? हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसे खतरनाक टेररिस्ट को छोड़ रही है। अगर तुम्हें इस बात का गम नहीं तो कोई बात नहीं, पर प्लीज खुश भी मत होना। I'm sorry, Colonel. Excuse me. क्या है? आपकी डिमांड सब पूरी हो रही है, कम से कम टॉयलेट तो साफ करा दीजिए। ठीक है। देखा? अगर तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ करता तो क्या नतीजा होता यार? हैं? मिस्टर, हीरोगिरी कब करनी है ये समय जगह परिस्थिति पर निर्भर। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ, पर अपनी भारत माँ के लिए मैं खुद आता हूँ। नाम बड़े और दर्शन छोटे। नमस्ते साहब। नमस्ते, नाम क्या है आपका? लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी, तुम फ्लाइट के अंदर जाओगी और हमेशा की तरह टॉयलेट साफ करोगी, और जब तुम अपनी साफ सफाई कर रही होगी छोटी छोटी बात को भी गौर से देखना। उन आतंकवादियों की संख्या कितनी है, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, सब कुछ नोट करना। मतलब काम करते हुए नजरें चारों तरफ रखना, किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। बहुत अच्छे। हम इसे भेजकर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? किसी काबिल इंसान को भेजो। काबिल आदमी को भेजेंगे तो वो फौरन पकड़ लेंगे। तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। कश्मीर में सेना का यातायात जाम दोपहर के 2:30 बजे। Thank you.
कुछ नहीं होगा। आप लोग की सारी बातचीत बेकार है। इन लोगों से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है। हेलो, क्या दोबारा फोन करेंगे? यूसुफ खान मर गया। क्या? सचिन तेंदुलकर इस फ्लाइट में 3 दिनों से बैठे हुए हैं। थैंक यू टोनी। आई लाइक फ्लाइट में 3 दिनों तक बैठे रहना बहुत ही बोरिंग है। बट यू हैव टू अडॉप्ट विद द कंडीशन ऑफ दिस गेम। वेल देखा जाए तो पूरे बदन की हवा निकल चुकी है। एक कैदी को भी सुरक्षित ना ला सके, अब मैं प्राइम मिनिस्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर मीडिया को इसकी खबर लग गई तो सब हम पर थूकेंगे। सर, आपने सोचा आगे क्या करना है? क्या प्रेस को इसकी खबर है? अभी तक तो नहीं, पर इस बात को राज कब तक रख पाएंगे? और कोई चारा ही नहीं है। प्लीज ये इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखिए। किसी का भरोसा मत कीजिए और कोई चांस मत लीजिए। हम पूरे देश को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। पैसेंजर्स को बचाने के लिए हमें उन पर हमला करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। पर कैसे रवि? कमांडो ऑपरेशन से फ्लॉप नामुमकिन है। उनकी डेडलाइन शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। मैं उनसे क्या कहूंगा? बहाना बना देना। कह देना यूसुफ खान को लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर वो ना माने तो? कैसे नहीं मानेंगे? उनसे कहो बारिश हो रही है, वो तूफान में फंस गए हैं। प्रेस को भी यही बात कहो, बाकी हम पर छोड़ दो। मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकली मुमकिन है, इसमें खतरा है। सर, आपके पास इससे अच्छा आइडिया है? सर, भरोसा कीजिए। क्या हुआ? देखो, हमें खबर मिली है। मुझे यूसुफ खान चाहिए, तुम्हारी खबरें नहीं। देखो मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। वहां बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, हेलीकॉप्टर का वहां जाना मुश्किल है। उन्हें आधा रास्ता गाड़ी से तय करना पड़ा। यूसुफ खान को यहाँ आते आते रात हो जाएगी। ये झूठ है। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लगता है तुम इसे मजाक समझ रहे हो। देखो, अगर हमें डराओगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब नेचर को हम कंट्रोल कैसे करें? प्लीज, अब तक इंतजार किया है, कुछ देर और सही। इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है मिस्टर विश्वनाथ, हम इंतजार करेंगे, पर इस इंतजार की एक हद होगी। अगर यूसुफ खान को आधी रात तक हमें ना सौंपा गया तो दबाई के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अगर कमांडो ऑपरेशन या कोई और होशियारी की तो हम लाशों के ढेर बिछा देंगे। सिर्फ एक बटन, बूम, और उन सब का इंतकाल हो जाएगा। कितने बेरहम हैं ये। चुप रहो, साइलेंस। सरकार के लिए तुम कोई मायने नहीं रखते। उन लोगों को तुम्हारी परवाह है ही नहीं। परवाह है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की। यूसुफ खान को रिहा तो कर रहे हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? अब तक तो यूसुफ खान को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, पर बारिश और बर्फबारी का बहाना करके वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बड़े शरीफ बनते हो, तुमने भी तो हमें धोखा दिया है। पैसेंजर्स बनकर प्लेन हाईजैक किया, हमें बंदी बनाया, क्या ये धोखा नहीं? वो धोखा नहीं था, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, ये खुदा का फरमान है। गलत मकसद के साथ गलत रास्ते पर चल रहे हो, ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे? चुप करो, हमने चाहकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारी सारी औरतें और बच्चे महफूज हैं। कंप्यूटर सीख के सब अमेरिका लंदन भाग रहे हैं। हिम्मत है तो कश्मीर जाकर देखो, तुम्हारे देश का असली चेहरा सामने आ जाएगा। तुम जरा मुंबई हैदराबाद जाकर आतंकवादियों का कहर देखो, कैसे बाप ने अपने बेटे को, औरतों ने अपने सुहाग को, बच्चों ने अपने माँ बाप को आतंकी हमलों में खोया है। काफी सुन ली तुम्हारी बकवास। अगर रात तक यूसुफ खान यहाँ नहीं पहुँचा तो मैं हर 30 मिनट में एक पैसेंजर को गोली मार दूंगा। ये मेरा ऐलान है, समझ गए? एक बात पूछो, ये पहले किसको मारेगा? अगर वो बच्चों से शुरुआत करेगा तो तुम आखिरी होगे, अगर बड़ों से तो पहले। हे, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे चेक करने दो। हे तुम, नीचे बैठो। ओके, पल्स ठीक है। हे, नीचे बैठ। हाँ, ध्यान से, धीरे। सलाइन शुरू हो गया। हाँ, पहले से बेहतर है, ठीक हो रहा है। क्या वो ठीक है भाई साहब?
तुम डॉक्टर हो तो क्या हुआ, उसका इलाज क्यों किया? देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज है। पर वो तो एक आतंकवादी है। हमारे जैसे इंसान नहीं है। इन्होंने अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, आप चुपचाप बैठ जाइए, कोई खतरे की बात नहीं। सिर्फ डिहाइड्रेशन है। क्या तुम सच में डॉक्टर हो? क्यों डॉक्टर, चेहरे से तो नहीं लगते। तो तुम क्या चाहती हो, मैं स्टेथोस्कोप पहन के घूमूं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं? पर पहली बार तुम्हारी हरकत अच्छी लगी। पैसेंजर्स के रिश्तेदार हमारी कोई बात नहीं मान रहे हैं, उन्हें समझाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। मुझे लगता है अगर कोई हायर ऑफिशियल उनसे बात करे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि वो जो आर्गुमेंट करते हैं सही है। स्टॉकहोम सिंड्रोम। क्या कहा? बताता हूँ उदाहरण के तौर पर। सोचो अगर मैं तुम्हें 10 दिन के लिए किडनैप करता हूँ, 4-5 दिनों बाद तुम मेरी जानकारी इकट्ठा करने लगोगी और शायद तुम मुझे पसंद भी करने लगो। अगर कोई तुम्हें मुझसे बचाने आए तो शायद तुम उसे अपना दुश्मन समझने लगो। इस साइकोलॉजी को कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। नॉनसेंस, मुझे 10 साल अपने पास रख लो तब भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। क्या बात है, मैं बाल बाल बच गया। जरा सुनेंगे? एक छोटी सी बात थी, प्लेन में काफी बुजुर्ग लोग हैं, एक ही जगह बैठे बैठे पैर में काफी दर्द होने लगा है, आप कहें तो हम थोड़ी देर खड़े हो जाएं? ठीक है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 2 लोग। शुक्रिया शुक्रिया, चलो। मुझे लगता है मैंने तुम्हारा चेहरा कहीं देखा हुआ। मैंने नहीं जानते, मशहूर एक्टर, चमकता फिल्मी स्टार। नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी बोल रहा है इसकी बात मत सुनिए, आप अपना काम कीजिए ना, जाइए जाइए ना। Hey, अगर फिर कुछ बोला तो कॉकरोच अच्छा? पैंट में डाल दूंगा। मेरी पैंट में कॉकरोच देकर तुम्हारी पैंट के लिए होती है? मेरा दिमाग खराब हुआ ना, तो 4 कॉकरोच कहाँ डालूंगा पता भी नहीं चलेगा। समझ गया। कॉकरोच साला। वो खुद को समझता क्या है, वो इस तरह कैसे बात कर सकता है? क्या उसे नहीं मालूम कि ये मामला इंटरनेशनल टेररिस्ट का है? अरे उसे छोड़िए सर, वो एक मिलिट्री का सिपाही है, वो ऐसी ही बातें करेगा। यूसुफ खान यहाँ आ जाता तो सब कुछ कितनी आसानी से सुलझ जाता, पर क्या करें उसका एक्सीडेंट हो गया। छे, काश पिताजी का कहना माना होता। जानते हो IAS यही भूत मेरे सर पे सवार था। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ, पड़ोसन से बात तक करने का टाइम नहीं मिलता। फोन उठाओ फोन उठाओ। आप यकीन नहीं करेंगे साहब, मेरे पास एक बहुत ही खुफिया न्यूज है, मेरे कैमरे में है, मैं अभी भेजता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ कुछ देर और रुकना पड़ेगा, मेरे पास एक सनसनीखेज खबर है। हम ये बात जानते हैं। के लिए सबसे तेज खबरें लेकर हाजिर होता है। ओके ओके, हम ओके। आपके सामने बिना किसी डर के सच्चाई पेश करते हैं। ये एक्सक्लूसिव बुलेटिन एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर है। यही है वो प्लेन जिसे 3 दिन पहले हाईजैक कर लिया गया था। गौर से देखिए, एक सनसनीखेज खबर ये है, जिस गाड़ी में खतरनाक आतंकवादी यूसुफ खान को लाया जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सब कैसे हुआ? कोई तो है, किसी ने ये राज न्यूज वालों को बता दिया है। कौन है वो? लगता है कोई रिपोर्टर सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर आ गया है। इससे पहले कि वो सब कुछ जान जाए हमें उसे रोकना होगा। रात 9:30 बजे। जरा एक मिनट, बुरा ना माना तो क्या मैं तुम्हारी गन देख सकता हूँ? हेलो, बस मेरा बचपन से सपना है कि एक बार मैं बंदूक हाथ में पकड़ूं। नहीं नहीं, प्लीज। हाँ।
एक सनसनीखेज खबर ये है, जिस गाड़ी में खतरनाक आतंकवादी यूसुफ खान को लाया जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या है, न्यूज में क्या दिखा रहे हैं? छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ है। क्या? रुको, सुनो सुनो, यूसुफ खान को कुछ नहीं हुआ है, ही इज सेफ, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बकवास, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो, हमारी तरह तुम्हारा भी तो परिवार होगा ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने ये क्या किया, इसे गोली क्यों मारी? तुमने उसे मारकर बहुत गलत किया। सही गलत का फैसला करने हम नहीं बैठे, हमें यूसुफ खान चाहिए हर कीमत पर, वरना सबका इंतकाल हो जाएगा। बात समझे, खेल तो अभी शुरू हुआ है। ए, अगर हिम्मत है तो हमारे सिपाहियों का सामना करो, ना मर्दों की तरह क्या लड़ते हो? बकवास बंद करो और बैठ जाओ। ए, तुम्हारी बंदूकों से मैं नहीं डरता, मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, मैं तुम पर गोली चला दूंगा। चलाओ गोली, कारगिल में तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। चलाओ गोली, चुप करो। तो मुझे चलाओ गोली, करिए कृपया हमारे सामने आ जाइए। हे ईश्वर, जिसने भी आपको बुलाया है आप उसके पास गए हैं, आपने अपने प्राण गंवाए हैं हम लोगों के लिए। जिसने भी आज अपने प्राण गंवाए हो उन्हें अपने चरणों में जगह दीजिए, हम आपके बालक हैं, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे रक्षक हैं। जो भी आपकी शरण में आता है वो निर्भय हो जाता है। हम आपकी शरण में, आपकी शरण में आना चाहते हैं प्रभु। अपने हृदय में, अपने अपने हृदय में हमें बसा लीजिए प्रभु। आमीन। रवि, क्या हुआ? दरवाजा खोला। ओह नो, उन्होंने पैसेंजर की जान ले ली। अब आप खुश हैं? आपकी वजह से उस आदमी की जान गई। देखो, इसमें हमारा दोष नहीं है, अगर हम हमला करते तब भी ऐसा ही कुछ हो सकता था। पर उनका भी तो नुकसान होता, शायद उनका चैप्टर ही खत्म कर देते हम लोग। बड़ा मामला बिगड़ गया है। आप सब जिम्मेदार हैं। मतलब क्या है तुम्हारा रवि? पहले तो फैसला करने में वक्त लगाना, फिर गलत फैसला करना, सब आपकी गलती है। रुको रुको, हेलो, क्या तुम पागल हो? और क्या करें, तुम लोगों को एक ही जबान समझ में आती है। नॉनसेंस, हमने कहा हम यूसुफ खान को रिहा कर रहे हैं, और क्या चाहिए बोलो। अगर मनमानी करोगे तो पछताओगे। अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें अफसोस होगा। अपने लोगों के बारे में सोचो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मिस्टर विश्वनाथ। अगर यूसुफ खान हमें नहीं मिला तो एक आदमी मारा जाएगा हर आधे घंटे पे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आई वॉन्ट यू, अगर अब तुमने एक भी पैसेंजर को मारा तो तुम्हें यूसुफ खान नहीं मिलेगा। जब तक डॉक्टर उसकी परमिशन नहीं देंगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जो करना है कर लो, गेट लॉस्ट। ये क्या विश्वनाथ, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। अगर इसी तरह चिल्लाऊंगा, किसी तरह बात करूंगा। हम कोई चार्ज नहीं ले सकते। पीएम को जवाब दो, प्रेस का सामना करो। वो पैसेंजर को मार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, क्या सरकार है? बुलशिट। The tension here is unbelievable. ये हमारे भारत सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो यूसुफ खान को ठीक करके टेररिस्ट के हवाले सौंप देंगे या फिर पैसेंजर्स को यूं ही मरने देंगे? मुझे बात नहीं करनी। विश्वनाथ, फोन उठाओ और इसी आवाज में उनसे बात करो। चलो। क्या है? मेरा यकीन करो। क्या? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं 10 घंटे लूंगा। हेलो, क्या कहा उसने? वो उसे टीवी पर देखना चाहता है। ये कैसे होगा? बोलो, अब हम क्या करें? हम आपको बता दें, दूसरे आतंकवादी संगठनों ने यूसुफ खान की रिहाई की खबर का स्वागत किया है और जश्न मना रहे हैं। हमें मंजूर है, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, जल्दी से कुछ करो प्लीज। कैसे सर? मौका मिलते ही हमें उन पर हमला करना चाहिए, और वही एक चीज है जो हमारे पास नहीं है।
अगर उन्हें रत्ती भर भी हमारी हरकतों पे शक हुआ तो वो उस प्लेन को उड़ा देंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उन्हें सबूत मिलने तक वो पैसेंजर को खाना भी नहीं देंगे, भूखा मार देंगे। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। तो अब हम क्या करें? हाँ। अब ये सोचने का वक्त नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ? प्रधानमंत्री जी का फोन। मैं अभी आता हूँ। सर, यस सर, ओके सर। उस फिल्म का नाम क्या था? कौन सी फिल्म? अरे वही जिसमें अपना फिल्मी हीरो यूसुफ खान को पकड़ता है। ओए माँ, कश्मीर आपुन का सपना, इसके खिलाफ जाने वाला आपुन का दुश्मन, ऐसे दुश्मन को टपकाना ही मांगता है। यही आपुन का फर्ज, खुदा का फरमान, यही लफड़ा है। खुदा का नाम इस्तेमाल करके तुम लोगों की जान लेते हो। मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती मेरा देश है। क्या मुसलमान हिंदी सीरियल नहीं देखते? क्या हिंदू मुगलाई बिरयानी नहीं खाते? हाथ हटा! हमारे देश की जीत तुम्हारी नफरत की लड़ाई से कहीं कीमती है। जय हिंद! रुको, रुको। वाह, ये तो सच में कमाल है। ये हूबहू यूसुफ खान का हमशक्ल है। मुझे ये एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कैमरामैन, मेकअप मैन फौरन यहाँ चाहिए। ओके। हमने यूसुफ खान का फोन कॉल रिकॉर्ड किया था ना? हाँ किया था। वो भी मंगा। या एक मिनट, सिक्योरिटी रोको उसे। ठीक है, ठीक है। तुम बिना इजाजत एयरपोर्ट में दाखिल हुए, वो भी पुलिस की वर्दी में। बहुत बड़ी गलती की तुमने। सर, मैं एक पत्रकार हूं। इसीलिए तो चुप हूं, वरना जवाब देने लायक नहीं रहते। तुम्हारी वजह से एक पैसेंजर की जान चली गई, जानते हो? पैसेंजर्स की सुरक्षा आपकी ड्यूटी है और आप अपनी ड्यूटी से चूके हैं माय फ्रेंड। लोगों तक सच्चाई पहुंचाना मेरी ड्यूटी है और वो मैंने अच्छे से निभाई है। नॉनसेंस, ड्यूटी निभाई अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाई। वियतनाम का युद्ध भी एक जर्नलिस्ट की वजह से ही खत्म हुई थी। और ये भूल गए तुम, प्रिंसेस जायना की मौत के जिम्मेदार भी तुम जर्नलिस्ट हो। क्या जवाब है तुम्हारे पास? कैसे इंसान हो तुम? ब्रेकिंग न्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? देश की सुरक्षा के प्रति कोई जिम्मेदारी है? ऐसे हालात में तो सरकार की मदद करो। सर, हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं। मीडिया हमेशा सबसे अलग होती है। गवर्नमेंट के लिए काम करना हमारा फर्ज नहीं है। सरकार के लिए नहीं, देश के लिए काम करने को कह रहा हूं तुम्हें। बाथरूम और बेडरूम में झांकने को ही जर्नलिज्म नहीं कहते। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं। अच्छा होगा अगर आप मुझे बाहर जाने दें, वरना इसका अंजाम। क्या करेगा तू? मेरी शिकायत करेगा अपने बॉस से या प्रेस की आजादी छीनने के लिए मुझ पर केस करेगा? इन धमकियों से मैं नहीं डरता, लेकिन तू यहां से बाहर नहीं जाएगा। तुम मुझे जाने दोगे? ज्यादा चूचा की ना तो शूट कर दूंगा, तेरी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। नवाज, गिरफ्तार करो इसे। सर, मेरा फोन। सर, सर सुनिए तो, आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं असली पुलिस वाला नहीं हूं? ये लाल रंग ऊपर होना चाहिए गधे। जरा सुनिए, आपसे कुछ कहना था। इस प्लेन में जितने भी लोग हैं सबका परिवार है, पर मेरा कोई नहीं सिवाय मेरे ईश्वर के। वही सबका मालिक है। मेरा भी लक्ष्य वही है, उसी की शरण में जाना है। अगर आप किसी को मारना ही चाहते हैं तो मुझे मार दीजिए, मार दीजिए। चलो अपने डायलॉग सुनाओ जरा। बोलता हूँ सर। महाशय, आपकी बेटी जवान हो गई है, जवान बेटी बदनाम ना हो जाए उसकी शादी की जलेबी हमें जल्दी खिलाइए। तो ओके, बहुत अच्छा बोला, अपने पोजीशन ले लो। ले लेता हूँ सर।
जवान बेटी। चल हटा पब्लिक को वहां से, मेरे लिए चाय लेकर आ। तू यहां क्या कर रहा है? शादी की चलेगी जवान बेटी, शादी की चलेगी जवान बेटी, शादी की चलेगी जवान बेटी। क्या कर रहा है? जल्दी जा, जा रहा हूं। पता नहीं कहां कहां से चले आते। साइलेंस साइलेंस, शट डाउन, एक्शन एक्शन। गट 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 गट। अरे क्या कर रहा है यार? देखो ये आर्टिस्ट कहाँ गायब हो गया? अरे साइकिल का भाग चढ़ गया क्या? चलो मेरे बैग लेके खराब है। और वो आइटम गर्ल कहाँ है? छा हेलो, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? एड फिल्म की शूटिंग के लिए। ओके, तुम्हें? मुझे मेकअप के सामान के साथ आने को कहा गया था, किसी को यूसुफ खान बनाना है। तुम्हें मेकअप के लिए बुलाया? मैं फिल्म नगरी के बस स्टॉप पे खड़ा था, मुझे उठा के यहाँ ले आए। मेरा सेल फोन भी छीन लिया। एबी बेबी के साथ मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। उसको मैंने अपनी अगली फिल्म के लिए साइन जो किया है, लेखा कपूर उसमें हीरोइन है। वही MMS वाली मेरी बेटी है। पता नहीं कैसे कैसे लोग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। अब क्या क्या नाम है तुम्हारा? रंगनाथ सर। कहाँ से हो? रायबरेली। कहाँ तक पढ़े हो तुम? BA मिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री सर। डायलॉग बोले थे? अच्छी तरह से नहीं सर, पर रट्टा मारकर कुछ डायलॉग्स बोल लेता हूँ सर। मैंने उस फिल्म में यूसुफ खान का रोल किया था, बस इतना ही सर। उसके अलावा मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। वो एक्शन से कॉमेडी फिल्म हो गई सर। मेरी गर्लफ्रेंड का बाप मुझे सीरियसली नहीं लेता सर। छोटे छोटे बच्चे मुझे देखकर हंसने लगते हैं सर। सच कह रहा हूँ सर, मुझे कभी एक्टर बनना ही नहीं था, मुझे पुलिस वाला बनना था। जब बेरोजगारी में भूखा था तब एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि अगर तेरी सड़ी शक्ल पर मेकअप लग जाए तो बिल्कुल यूसुफ खान का असली डुप्लीकेट लगेगा। और इस फ्लॉप डायरेक्टर के फसले के ये इसी का आइडिया था सर। और उस आदमी ने फिल्म में मेरा मेकअप किया था? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर। इस वक्त भी मैं एक ब्राह्मण का रोल कर रहा हूँ। पहनने के लिए धोती, माथे पे तिलक और एक छोटा सा डायलॉग दिया है। आपकी बेटी जवान हो गई है तो सोच लो, जवान बेटी बदनाम ना हो जाए तो उसकी शादी की। रसगुल्ला खाना था या जलेबी सर? भूल गया हूँ। रो क्यों रहा है? जैसा कहता हूँ वैसा कर, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सुनो। जी सर। इसका मेकअप चालू करो, यूसुफ खान बना दो इसको। ठीक है, फिक्र मत करो तुम। ठीक है सर, अपने देश पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा। शाबाश। ये मैं कहाँ फंस गया? क्या तुम डायरेक्टर हो? ओ भाई, मैं डायरेक्टर हूँ, बताओ इन्हें। हाँ सर, ये डायरेक्टर है। सर, मैंने इतने सुपरस्टार्स को डायरेक्ट किया है कि आप सोच नहीं सकते। वो कौन सी फिल्म थी? शिवाजी का टॉस। हाँ। बहुत स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद एक बस करने। बस। हम तुम्हें हॉस्पिटल का सेट बनवा देंगे। तुम्हें यूसुफ, मेरा मतलब रंगनाथ के साथ शूटिंग करनी होगी हॉस्पिटल के बेड पर। ठीक है, मैनेज कर लूंगा। पर कहानी क्या है? मेरा मतलब है कि स्क्रिप्ट कहाँ है? मुझे डायलॉग, स्क्रीन प्ले कुछ तो पता चले। जानते हो मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। हो जाएगा, कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। पर सर, ये सब करने की वजह क्या है? तुझसे जितना कहा जाए उतना कर चश्मिश नवाज। हाँ। ये सब क्या है? मुझ जैसे इतने बड़े डायरेक्टर की कोई इज्जत ही नहीं करता यहाँ पर। हम तुम्हें सारी डिटेल्स नहीं बता सकते, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। काम पूरा हो जाने के बाद पता चल जाएगा। ओके ओके, गो अहेड, ले जाओ इसे। बेटी मुझे बात मत करो, यहाँ से जाओ। अम्मी से बोलो यहाँ से जाने के लिए, मुझे डर लग रहा है अम्मी। अफसाना, अफसाना, क्या हुआ? क्या हुआ अफसाना? बेटी बेटी, डॉक्टर, हटो 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 हटो, दूर हटो हटो। सब लोग शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ओके ओके ओके, हार्ट की प्रॉब्लम है, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वो छोटी बॉटल देना, छोटी छोटी, सब ठीक है। अफसाना बेटा, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। अब इसे सोने दीजिए। ओके,
आप हम पे रहम कीजिए प्लीज, बच्ची डर रही है, चले जाइए ना बेटी। अफसाना, हमारा पहला दुश्मन है आंसू और दूसरा जज्बात, इसे मारकर ही हमें फतेह हासिल होगी, समझा? आगे 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 चलो, आगे चलो। ये जंग है फरमान खुदा का। इसको दोबारा चला। ये जंग है फरमान खुदा का। गुड, इस लाइन को मार्क करके कॉपी कर लो। या रवि। नमस्ते सर। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इसे बाहर ले जाओ। पर रवि, ये आइडिया काम करेगा? हो सकता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर देखो तो सब बड़े बड़े नेता सिक्योरिटी के लिए डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं, और सद्दाम हुसैन जैसों के तो कई डुप्लीकेट थे क्या? और हमारा दूसरा फायदा यह है कि यूसुफ खान को देखे हुए लोगों को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। तो अब यूसुफ खान बेड पर लेटा है और ऐसा दिखाइए कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। क्यों सर, उसकी वजह क्या है? इससे प्रूफ हो जाएगा कि शूट आज हुआ है। आज क्या खास है, आपको ऐसा प्रूफ क्यों चाहिए? पहले तुम कुछ वक्त न्यूज़पेपर दिखाना, फिर कैमरा यूसुफ खान पर ले जाना। ये न्यूज़पेपर को मारो गोली, क्रिएटिविटी यूज करो, सस्पेंस क्रिएट करते। पहले AK-47 दिखाते हैं। यूसुफ खान ओवर एक्टिंग कर बैठा, आई एम सॉरी। जब कैमरा यूसुफ खान पर हो उससे बुलवाओ ये जंग है फरमान खुदा का। आपके डायलॉग में बहुत ज्यादा उर्दू है, पब्लिक को ठीक से हिंदी तक नहीं आती। ओके तो रुक, तुझे हिंदी उर्दू का फर्क समझाता हूँ। देखो, तुम लोग यूसुफ खान पर फिल्म बना चुके हो, यूसुफ खान किस एंगल से कैसा दिखता है तुम अच्छी तरह जानते हो। ये किसी टीवी न्यूज कवरेज की तरह होना चाहिए। यूसुफ खान को पूरे जोश के साथ। सर डायरेक्टर आप है कि मैं हूँ? अगर आप ही सब कुछ करेंगे तो मैं यहाँ मच्छर मारूंगा। माना आप मेजर हैं, पर मैं भी डायरेक्टर हूँ, इस फिल्म का डायरेक्टर। परफॉर्मेंस आप नहीं, मैं बताऊंगा। बात को समझो। लोगों को समझाते समझाते मेरी खुद की वाट लग गई सर। मतलब शाइनिंग स्टार चंद्रकांत फिल्म में कमांडो ऑपरेशन होने के बाद उसे काकी सावंत का आइटम सॉन्ग चाहिए था। बहुत समझाया पर नहीं माना, फिर क्या होना था? पिक्चर पिट गई, पूरा पैसा बर्बाद हो गया, खत्म, प्रोड्यूसर पूरा खत्म हो गया। और तुम्हारी फिल्म में तो यूसुफ खान टपोरी भाषा बोलता है। सर इतनी गहराई में जाएंगे तो हिंदी फिल्म तो बनने से रही, आपको उसकी एक्टिंग देखनी अच्छा। चाहिए। कभी आप जाइए और शूटिंग देखिए, ऑडियंस को मसाला चाहिए। लैंग्वेज के बारे में कौन सारा सोचता है, हम यूसुफ को बम्बई अटैच देंगे। चल काम शुरू कर। ठीक है सर, इसकी पेमेंट टाइम पे तो मिलेगी ना? मेरा बजट तो अब जान दी है। यहाँ शूटिंग चल रही है, साइलेंस रहोगे? कहाँ कहाँ से आ जाती है? कैमरा रोल, एक्शन। ये जंग है फरमान खुदा का। कट इट। ओके ओके सर, अब मैं घर जा सकता हूँ, बीबी परेशान होगी। बोल जाओ, तुम्हारा पूरा यूनिट यहीं रहेगा। सर सर, ये बहुत गलत बात है, ये देश आजाद है और हम आजाद देश के आजाद गुलाम है। बैकअप। ये जंग है फरमान खुदा का। हेलो, ठीक है, पर उन्हें कब लाया जाएगा? फिलहाल स्कैनिंग बाकी है, डॉक्टर का क्लियरेंस मिलते ही वो पहुंच जाएगा, हमें कल रात तक का वक्त चाहिए। दिया, लेकिन कोई होशियारी नहीं। ये वो प्लेन है जो हाईजैक हुआ, और ये प्लेन में यूसुफ खान को लाया जाएगा, मेरा मतलब रंगनाथ को। यूसुफ खान को देखने के बाद आतंकवादी यात्रियों को छोड़कर इस फ्लाइट से इस फ्लाइट में शिफ्ट होंगे। जब वो रास्ते के बीचों बीच होंगे हम उन पर हमला करेंगे। हमारे कमांडो बंदूकें लेकर यहाँ छुपे होंगे। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतने सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बीच आतंकवादियों को हम कैसे पहचानेंगे? वही तो चुनौती है। इस मिशन की कामयाबी के लिए हमें यात्रियों की मदद लेनी होगी। पैसेंजर्स की लिस्ट में एक रिटायर्ड कर्नल है, कौन? जगदीश। जगदीश, उनके लिए हम अंदर एक सेलफोन भेजेंगे। वो भेजोगे कैसे? वो भी मैंने सोचा है, और अब से इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन गरुड़ा। मुसीबत हो जाएगी सर, आपके कहने पर मैंने एक बार कर लिया, अब मुझसे दूसरी बार नहीं होगा सर। मुझे अब बहुत डर लग रहा है सर, अपनी माँ की महकलौती तीसरी ऑपरेशन। साले चूहे, तू तो पुलिस वाला बनना चाहता था, क्या हुआ? फिल्में देखकर जुनून चढ़ा था, फिल्म के क्लाइमेक्स में ही हमेशा पुलिस आती है ना सर, सोचा था बहुत ही आसान होगा, लेकिन उसमें भी नाकामयाब रहा सर। वो कैसे? मैं फूल की तरह कोमल हूँ सर। व्हाट? मुझे फिट आता है सर, कोई जोर से चिल्लाए या चीखे मुझ पर या अनजाने में कोई चीखे भी,
पैंट गीली हो जाती है। ये फिट तुझे कब कब होते हैं? जब मैं थक जाता हूँ या फिर डर जाता हूँ। जब कुत्तों से अपनी जान छुड़ाता हूँ डर के मारे मुझे चक्कर आते हैं। सुनो, क्या पुलिस वाला ऐसे रोता है? पुलिस? कौन सर? तुम, आज से तुम्हें पुलिस वाले हो। क्या आप सच कह रहे हैं सर? अगर तुम्हें अभी अपॉइंटमेंट लेटर दूं तब तो मानोगे? यस सर। गुड, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अरे नहीं सर, रेजिग्नेशन लेटर दे देता हूं सर। सुन, सारी जिंदगी जूनियर आर्टिस्ट बनकर रहेगा? पैदा होकर मर जाना ही सिर्फ जिंदगी नहीं होती। अगर मेरी बात सुनेगा तो एक ही दिन में हीरो बन जाएगा। जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो गांव वाले तुझ पर हंसते थे ना, तेरे को सैल्यूट करेंगे। तेरे माँ बाप को तुझ पर नाज होगा। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। गुड। लग गए। पांच बजे, सुबह 6:30 बजे। तुम्हें एक बात बताऊं, आज मेरा बर्थडे है। वाओ, इसीलिए शायद वो यूसुफ खान को रिहा करने के लिए तैयार हो गए। वही पुराना रिवाज, किसी वीआईपी की बर्थडे पर किसी गुनहगार को रिहा करते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। सुनो, बहुत सी मासूम जाने अब तुम्हारे हाथ में है होशियारी से। जी साहब, जानती हूँ। मेरे पिताजी भी पुलिस में नौकरी कर चुके हैं। वो अपना फर्ज निभाते निभाते शहीद हुए थे। मैं ये काम ठीक से करूंगी साहब। मुझे वॉशरूम जाना है। मैं मेजर रवि हूं एनएसजी से। आज रात को हम आप लोगों को बचाने की कोशिश करने वाले हैं। इसके लिए हमें फ्लाइट में मौजूद कर्नल जगदीश की मदद चाहिए। आज हम जो फूड पैकेट्स आपको भेजेंगे उनमें से सिर्फ एक पैकेट पर लाल रबर बैंड होगा। उसमें एक सेल फोन है। किसी भी कीमत पर वो फोन कर्नल जगदीश तक पहुंचना चाहिए। इस बारे में कर्नल जगदीश को पहले से जानकारी दे दी जाए। ये बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट। दरवाजा खोलो। इतनी देर क्यों लग रही है? मुझे हिम्मत। इतनी देर क्यों लगी? थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? लेडीज प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। मैं सब समझता हूँ। अपने लिबास में कुछ छुपाया है तुमने। अब क्या कपड़े भी उतरवाओगे? एक बार और बेहोश हुआ ना मार डालूंगा। अरे सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मुझे इन सब की आदत नहीं है। रुक ना। हमारी सारी उम्मीदें तुझसे जुड़ी हुई हैं। बिना कुछ किए ही तू एक बच्चे की तरह रो रहा है। जानते हैं कैसे दरिंदे वो? ये फोटो देख। जरा देख, ये तेरी ही तरह आम लोग हैं।
कोई सब्जियां लेने बाजार गया हुआ है। स्कूल जाते बच्चे, मंदिर से लौटती औरतें, देख देखना, इतनी तबाही मचाई उन्होंने, प्लेन भी हाईजैक किया है। अगर इस बार वो बच गए तो हो सकता है अगला बम उस बस या ट्रेन में रखे जिसमें तू सफर कर रहा है। अगर इस वक्त उस प्लेन में तेरा बाप होता तो क्या तू यही करता? ये सब देखकर तुझे गुस्सा नहीं आता? देख, पिछले चार दिनों से हम उनके लिए लड़ रहे हैं, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है, मना मत कर। डरता क्यों है? मैं हूं ना। सॉरी सर, अब मैं तैयार हूं सर। सर जो बोलोगे मैं करूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। ये बात विमला जी। सर क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर। मेरा पैर। पैर निकालो। क्या? पैर निकालो। तुम्हारा शक दूर हुआ? बच गया। जरा सुनिए, मुझे टॉयलेट जाना है। सुपरस्टार चंद्रकांत हमारा हीरो है। अगर वो सुरक्षित वापस नहीं आया तो हम हल्ला बोल देंगे भाइयों। हमारा हीरो चंद्रकांत, हमारा हीरो चंद्रकांत। मुझे सिर्फ एक बात का डर है सर। अगर फिट आ गया तो क्या करोगे? पहली चीज तो तुम्हें आने नहीं चाहिए, और अगर आती है तो तुम करते क्या हो? पिछली बार जब फिट आए थे ना, मैंने चाबी का गुच्छा पकड़ लिया था, फिर मैं नॉर्मल हो गया सर। ठीक है, हम तुम्हें व्हील चेयर पर बिठा देंगे, हैंडल को कसकर पकड़ लेना। प्रॉब्लम ये नहीं है, तुम अभी भी पहले वाले रंगनाथ हो। यूसुफ खान बनना होगा, उस फिल्म में जैसी एक्टिंग की थी वही बॉडी लैंग्वेज चाहिए हमें। सर आपको देखकर बहुत डर लगता है मुझे, वो डायरेक्टर से कहिए ना मुझे समझाए, फिर मैं कर लूंगा सर। क्यों बे साले, क्या कह रहा था? मेरी फिल्म फ्लॉप थी, खल्लास इंडस्ट्री में टिकने नहीं दूंगा। दोबारा अगर सेट पे दिखाई दिए तो वही तेरे कान के नीचे। बहुत बोलता है, बचाओ क्या। ओके ओके ओके, अब काम पर ध्यान दो। तुम रंगनाथ नहीं हो, यूसुफ खान, दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी। तुम्हारा नाम सुन के दुनिया कप 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 कांपती। बिना किसी रहम के तुमने हजारों लोगों को मार डाला। सुबह जब जागते हो टूथपेस्ट बाद में गोलियां पहले चबाते हो। तुम्हारा नाम सुन के कॉफिन में लेटे मुर्दे भी भरतनाट्यम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे धा साला, एक्टिंग करना चला, ओवर एक्टिंग करता है बेवकूफ साला। जितना बोलता हूँ उतना कर। सुबह के 8:45 करेले का जूस पिलाओ इनको। Ooh!
कर्नल, आज रात जब यूसुफ खान इन्हें सौंपा जाएगा, आप सबको दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्टिंग के वक्त हम आपको सिग्नल देंगे, तब सब लोग जमीन पर लेट जाएंगे। हमारे कमांडोज तैयार रहेंगे। मुझे उम्मीद है कर्नल कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब ये जानकारी आतंकवादियों को छोड़कर बाकी यात्रियों तक पहुंच जानी चाहिए। जानता हूं आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, फ्लाइट पर कितने आतंकवादी हैं और उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, उसकी जानकारी चाहिए। यही मौका है उन्हें बताने का कि हम कौन हैं। पांच आतंकवादी 9mm पिस्टल के साथ हैं और उनके पास एक हैंड ग्रेनेड भी है। कोई बात नहीं, हम निपट लेंगे। रुको रुको रुको, तुमने कहा हैंड ग्रेनेड? अगर उन्होंने ब्लास्ट कर दिया तो? हम उन्हें इतना वक्त ही नहीं देंगे। अब हमारा सिग्नल होगा गनशॉट, इससे वो चौकन्ने हो जाएंगे। हमें कोई ऐसा सिग्नल चाहिए जिससे वो चौकन्ने ना हो। जजबेल, जजबेल, ये हुई ना बात। चर्च बेल, हमारा सिग्नल ये होगा। हे, रुको, वो क्या है? निकालो से, चलो निकालो, होशियार बनती हो। कुछ भी नहीं है। कहा ना निकालो। तुम सिगरेट पीती हो? हाँ। तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें कभी किसी ने रोका नहीं? देखो, तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम एक औरत हो, तुम ये कैसे कर सकती हो? ये मेरा निजी मामला है। सुनो, रुक जाओ, मेरी बात मानो, इसे जाने दो, नादान बच्ची है, मैं इसे समझा दूंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, माफ कर दो, माफ कर दो। इडियट, सेलफोन कहाँ? सॉक्स में छुपाया है। वो विमान जिसमें यूसुफ खान को लाया जा रहा है तिरुपति एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। शायद तब विमान में फंसे बच्चों और औरतों को आतंकवादी रिहा कर दे। INN से सीमा खन्ना। यूसुफ खान का प्लेन ठीक 8 बजे लैंड करेगा। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है शिफ्ट होने के लिए, सिर्फ 10 मिनट। जैसे ही इस प्लेन का पहला पैसेंजर बाहर जाएगा, इस पंप को शुरू कर देना। पर क्यों? वो तो यूसुफ खान को रिहा कर रहे हैं। हमें हर तरह से तैयार रहना होगा। उन पर एतबार करना बेवकूफी है। चाहे जो भी हो, हम शिकस्त नहीं खाएंगे। अगर उनकी तरफ से किसी ने होशियारी की तो हम ब्लास्ट कर देंगे। ये रिमोट हमारी कामयाबी का जरिया है। सब प्लान के मुताबिक हुआ तो? सोचना क्या है, ब्लास्ट तो फिर भी होगा। तुम्हारे पास 10 मिनट है मिस्टर विश्वनाथ, यह हमारी आखिरी वार्निंग है। रवि, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। बहुत है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। क्या उनके पास सच में एक ही हैंड ग्रेनेड है? प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स, सिंटेक्स, 1 किलो। ब्लास्ट हुआ तो कोई नहीं बचेगा। झूठ बोला तुमने? सर, ये बात किसी को ना पता चले, भरोसा कीजिए, मैं संभाल लूंगा। All the best. ठीक है सर, जाता हूँ सर। सर, मेरा एड्रेस मेकअप मैन के पास है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वालों को इतला कर दीजिएगा।
ड्यूटी पर अगर मैं शहीद हो गया तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरी जिंदगी देश के काम आई। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ। चलता हूँ सर। जैसे कहो उतरना शुरू करें। सारे कमांडोज शूट करने के लिए तैयार रहे। पीटर तैयार रहना। सभी लोग सुनाए, अपने अपने सामान के साथ नीचे उतरे। टाइमर ऑन करो। क्या हुआ? सुभाष अंकल का गिफ्ट लेना मैं भूल गई। बेटा, आपके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। पीटर, पैसेंजर्स उतर रहे हैं, तैयार रहे। चर्च बेल बचाओ। क्या कर रहे हो? सिग्नल दो। चलो सबके सब उठ जाओ।
सभी धीरे धीरे दूसरे प्लेन की तरफ पड़ो। मारते रहो। चलो आगे बढ़ते रहो, चलो चलो आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अगर मेरा कहा नहीं माना तो तुम मारे जाओगे। आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ते रहो, चलो 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 चलो। सभी लोग बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलो चलो। रंगनाथ सर, फिट आने की एक्टिंग करो। पर क्यों सर? कहा ना एक्टिंग करो सर। समझता नहीं है इडियट, अगर वो तेरे पास पहुंचा था तुझे मार देगा। जो आप कहें सर। वहां देखो। वो बीमार है, एम्बुलेंस लेकर आओ। नहीं, आगे मत बढ़ो। चलो बुलाओ। कोई नहीं आएगा, वहीं रहो, वहीं रहो। ये पागल है क्या? ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो मर जाएगा। नहीं। ए, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पास मत आना, वहीं रहो। नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पहले उस प्लेन में जाना है, मैं तो सबको मार डालूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम सब चलते रहो। कोई भी बेवकूफी मत करना वरना मैं गोली चला दूंगा। कमांडो, निशाना मिल रहा है। चलते रहो, कोई रुकेगा नहीं, चलते रहो। नहीं मिल रहा सर। मरने की एक्टिंग करो। ठीक है सर। कुछ भी हो जाए तुम हिलना मत। ओके चलो। हे, उसे देखो। क्या हुआ? नहीं, वो मरने वाला है, उसे अस्पताल ले जाना होगा। हे, नहीं, तुम लोग आगे बढ़ते रहो। देखो फैसला तुम्हारा है, वो तुम्हें मुर्दा चाहिए जिंदा। नहीं नहीं, वो हाथ से निकला जा रहा है। अब सब ठीक है। ओ, आप तो सचमुच के हीरो निकले। वेल डन कर्नल जगदीश, कांग्रेचुलेशंस। कोई घायल तो? बहुत अच्छा काम किया हमने तो, बस सिर्फ अपना फर्ज निभाया। सर, ए, डरो मत, कोई बात नहीं। मेजर, ये क्या माजरा है? ये हमारा आदमी है, लंबी कहानी है कर्नल। चलिए सब आगे बढ़िए, चलिए चलिए चलिए। जरा एक मिनट, क्या हुआ? रवि, बम गायब है। क्या? सारे आतंकवादियों की छानबीन की पर बम नहीं मिला। और फ्लाइट के अंदर? फ्लाइट में भी ढूंढा। तो फिर कहाँ गया? नवाज, बम यही कहीं होना चाहिए। गाइस, कम ऑन, सब लोग एक तरफ हो जाओ। बम स्पॉट, कुछ मिला? कुछ मिला? रुक जाओ, अपने सामने
सामान नीचे रख दो। जाओ सबका सामान चेक करो। रखो रखो नीचे रख दो। सामान नीचे रखो सब लोग। रखो नीचे रखो जल्दी नीचे रखो। चलिए चलिए अपना का लगेज नीचे रखिए। जल्दी कीजिए अपना सामान नीचे रखिए और भागिए यहाँ से। सामान नीचे रखिए। नीचे उतरिए नीचे उतरिए। अपना सामान रखिए और जाओ 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 भागो भागो यहाँ से। चलो 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 आप ठीक है। आई विल सब लोग उस तरफ जाओ। यहां पर खड़े मत रहो। चलो चलो चलो। बेटे ये किसने दिया? बोलो किसने दिया? हाँ फ्लाइट के अंदर उस अंकल ने तोहफा दिया। अच्छा चलो जाओ भागो। ले जाओ जल्दी जल्दी। इधर आओ। क्या अभी इसे डिफ्यूज करना मुमकिन है? अब कुछ नहीं कर सकते। ओके आओ 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 चलो 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 जाओ भागो। खाली करो जल्दी। पीछे हट जाओ। इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर। ओवर एक्टिंग के पैसे तुम्हें कटेंगे ना? नहीं कटेंगे। और तुम ड्यूटी इसी वक्त ज्वाइन करो। ओके यस सर यस सर। चाहिए आप सबकी फैमिली आपका इंतजार में। कामयाब रहो रवि। हम जीत गए। मुबारक हो। शुक्रिया सर शुक्रिया। हम जीत गए कामयाब हो गए। मुबारक। थैंक यू सो मच। कामयाब रहो। थैंक यू। हाँ रवि यहीं पर है। मिनिस्टर का फोन है। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर सर इनकी जितनी तारीफ की जाए कम। थैंक यू सर। मिशन कामयाब हुआ सर। ठीक है अपना ख्याल रखना।